वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मेरे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस नंबर 460 की। दोस्तों ये बस मिंटो रोड टर्मिनल से बदरपुर बॉर्डर तक जाती है और दोस्तों ये सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक चलती है। इस दौरान 41 स्टॉप आते हैं जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब बात करते हैं दोस्तों बस रूट की। तो पहला स्टॉप मिंटो रोड टर्मिनल, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शिवाजी पार्क, इसके बाद जो स्टॉप आता है सुपर बाजार, अगला स्टैंड जो आता है पालिका केंद्र, अब जो स्टैंड आता है पीएस पार्लियामेंट जंतर मंतर, फिर जो स्टैंड आता है पुलिस स्टेशन सांसद मार्ग, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है आकाशवाणी भवन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है कृषि भवन, रेल भवन, मेट्रो स्टेशन, इसके बाद जो स्टॉप आता है उद्योग भवन। और दोस्तों दिल्ली मेट्रो कार्ड से भी अगर आप डीटीसी बसों में ट्रैवल करते हैं तो आप कंडक्टर से मेट्रो कार्ड स्कैन करा के भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फिर जो स्टॉप आता है कृष्णा मेनन मार्ग, इसके बाद जो स्टॉप आता है पीएस तुगलक रोड, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है तुगलक क्रिएसेंट, अब जो स्टैंड आता है सफदरजंग मदरसा, अगला स्टैंड जो आता है जोरबाग मेट्रो स्टेशन, फिर जो स्टैंड आता है सफदरजंग एयरपोर्ट, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है INA मार्केट, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है किडवाई नगर, इसके बाद जो स्टॉप आता है एम्स। दोस्तों अब आप अपने फ़ोन से चार्टर ऐप के बारकोड को स्कैन करके डीटीसी और क्लस्टर बसों में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट लेने पर आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। चार्टर ऐप के बारकोड दिल्ली की हर डीटीसी बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो डेली फ्री पिंक पास बनता है वो भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टॉप आता है साउथ एक्सटेंशन कोटला पेट्रोल पंप, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है एडियूसगंज, इसके बाद जो स्टॉप आता है मूलचंद हॉस्पिटल, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है गुप्ता मार्केट, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है लाजपत नगर रिंग रोड, इसके बाद जो स्टॉप आता है लाजपत नगर वन रिंग रोड। और दोस्तों दिल्ली में चलाई जाने वाली डीटीसी बसें चार कैटेगरी में चलती हैं, जो एसी और नॉन एसी दोनों होती हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं, जो आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली के हर एक कोने कोने से आपको मिल सकेंगी, जिनमें आप और भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम से कम करने की दिशा में इन बसों को दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा रहा है। अब जो स्टैंड आता है पीजी देव कॉलेज श्रीनिवासपुरी, अगला स्टैंड जो आता है नेहरू नगर, फिर जो स्टैंड आता है आश्रम चौक। दोस्तों अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के बाहर अन्य किसी शहर ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के दौरान आपने कभी न कभी किसी न किसी दिलचस्प स्टोरी को ज़रूर फेस किया होगा, या आपने ट्रैवल के दौरान किसी भी महिला या सीनियर सिटीजन की हेल्प की होगी, तो दोस्तों अब आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली डीटीसी पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल आईडी है dillydtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। फिर जो स्टॉप आता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, इसके बाद जो स्टॉप आता है कालका जी क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सुखदेव विहार डिपो। दोस्तों दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए हिम्मत प्लस ऐप को अब आप भी अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लीजिए। यह ऐप दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल ऐप है, जिसके कारण यह ऐप बाकी ऐपों से बेहतर है।
दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम या संकट लगते ही इस ऐप में दिए गए SOS के बटन को दबाएं। ऐसा करते ही आप दिल्ली पुलिस को इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। हिम्मत प्लस ऐप में QR कोड से भी एयरपोर्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, कैब इत्यादि को रजिस्टर किया गया है, जिससे उस वाहन की करंट लोकेशन, वाहन चालक का नाम, गाड़ी नंबर समेत पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे महिलाएं और भी ज्यादा सुरक्षित ट्रैवल कर सकती हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 181 और 1091, बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1098। और दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर अन्य शहरों में भी महिलाओं की सुरक्षा और भी ज्यादा सुनिश्चित हो। जैसे दिल्ली में हिम्मत प्लस ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और अब तो आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार द्वारा महिला शक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन देते हुए DTC बसों में महिलाएं ड्राइवर होंगी, लेडीज मार्शल होंगी। इसी तरह अन्य शहरों में भी हिम्मत प्लस ऐप जैसी सुविधा, हेल्पलाइन नंबर, बसों में लेडीज मार्शल, ड्राइवर होना चाहिए, ताकि देश की किसी भी जगहों पर देर रात घर लौटने वाली महिलाओं के साथ और किसी भी जगहों पर कुछ भी गलत ना हो। और दोस्तों, अगर आप बसों में ट्रैवल करते हैं और कोई भी सीनियर सिटीजन या गर्भवती महिला खड़े होकर उन बसों में ट्रैवल करती है, तो दोस्तों हमें उन्हें अपनी सीट देनी चाहिए। बसों में अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ छेड़खानी या गलत करता है, तो दोस्तों हमें उसे रोकना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए हम सभी को नारी शक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अब जो स्टैंड आता है ओखला टैंक, अगला स्टैंड जो आता है हरकेश नगर, इसके बाद जो स्टैंड आता है अपोलो हॉस्पिटल, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है सरिता विहार, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मदनपुर खादर, इसके बाद जो स्टॉप आता है हल्दीराम सरिता विहार मेट्रो डिपो। और दोस्तों, अब दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने गूगल के साथ मिलकर की साझेदारी। अब गूगल मैप पर मिलेगी DTC बसों की लाइव लोकेशन, बसों के स्टॉपों पर नहीं करना होगा लंबा इंतजार। DTC बसों में अब आपको यात्रा करने में होगी और भी ज्यादा आसानी। आप मैप के जरिए इन बसों की करेंट लोकेशन, रियल टाइम टेबल, बस रूट और बसों के नंबर देख सकते हैं। अब आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बसों के स्टॉपों पर भीड़ भाड़ भी कम रहेगी, जिससे आपका कीमती समय भी बचेगा। फिर जो स्टॉप आता है अलीगांव, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है पावर हाउस, इसके बाद जो स्टॉप आता है बदरपुर गांव, अब जो स्टॉप आता है जैतपुर क्रॉसिंग, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है बदरपुर बॉर्डर तक ये बस जाती है। और दोस्तों, दिल्ली में फिर से एक बार कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, तो दोस्तों अब आपको और भी ज्यादा सेफली रहना है। ज्यादा जरूरी काम पड़ने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। अगर आप DTC बसों में ट्रैवल करते हैं, तो दोस्तों हमेशा आप मास्क पहने, अपने आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। जिस बस की सीट पर आप बैठते हैं, उस बस की सीट को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके ही उस पर बैठें। अपने घर के सीनियर सिटीजन और बच्चों को इन बसों में ज्यादा ट्रैवल ना कराएं। दोस्तों, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जो कि क्लस्टर बस और AC बसों में नहीं चलेगा। दोस्तों, AC बस का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। ये पास 12 घंटे तक ही मान्य होता है। दोस्तों, अगली वीडियो आपको जिस बस रूट की चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।